Assalamu alaikum, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. Today I'm sharing my full week routine in which I will share United Arab Emirates National Day celebration and my weekdays and weekend morning routine. So let's start. फजर की नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अभी 5:35 हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए दूध गर्म करने रख दिया है। आज कॉर्नफ्लेक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। जितनी देर में दूध गर्म हो रहा है उतनी देर में मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ, जो कि मैं अपनी वर्क प्लेस पर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जार में 4 खाने के चम्मच ओट्स और 2 खाने के चम्मच चिया सीड्स डालकर 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर दिए। इसको मैं मिक्स कर लूंगी और उसके बाद पानी शामिल कर दूंगी। पानी की बजाय आप दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। 2 से 3 घंटे में ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, चिया सीड्स पुडिंग की डिफरेंट रेसिपीज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, तो उसका लिंक मैं आपके साथ ऊपर शेयर कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, लेकिन जैसे कुछ छोटे बच्चे रोज़ अपना लंच वापस ले आते हैं, तो मेरे हस्बैंड भी उन्हीं में से एक हैं। रोज़ वर्क से वापसी पर हम दोनों एक साथ फिर ये लंच करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ओट्स में आधे से थोड़ा ज़्यादा बनाना डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरीज वगैरह। उसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लें। मुझे अखरोट बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, तो मैं अखरोट का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट और मेरे हस्बैंड का लंच रेडी। See, it's still darkness outside. Now I'm sharing some clips of the workshop held by the police community for the students of the school. So you can see. I'm sharing some previous week clips of UAE Flag Day, which was held on 3rd of November. I thought with UAE celebration, I will show you this all together, that how here they celebrate Flag Day so passionately. This significant day is observed annually on November 3rd, marking the anniversary of Sheikh Khalifa's assumptions of the presidency. Flag Day serves as a testament to the UAE's unity, resilience and unwavering commitment to its founding principles.
Now I'm sharing some clips of my sister's house. We all siblings gathered here because my small brother came from Pakistan. Time to go back to Abu Dhabi. Now, finally, this is the UAE National Day celebration. The energy and spirit of the celebration is incredible. This is a special occasion where people come together to honor the rich culture, heritage, and achievements of the UAE. The decorations, traditional dances, and the overall festive atmosphere truly showcase the beauty of UAE's national identity. Now I'm sharing my Sunday routine with you. Starting my day with making milk tea is such a great way to kick off my Sunday routine. It's all about finding those little moments of joy and comfort to set the tone of a positive day ahead. As I sip on this delicious tea, I'm reminded to appreciate the simple pleasure in life and to embrace positivity, productivity, and self-care. Remember, every day is a fresh start, filled with new opportunities, so let's make the most of this Sunday and spread those good vibes. Cheers to a wonderful day ahead. आज संडे है तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बोंग पाई बनाए जाएँ, तो आज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि बोंग पाई बना लेते हैं। नाश्ते में अच्छे लगते हैं, आपको पता है। ये तकरीबन जो पाए हैं ये तकरीबन 1200 ग्राम है, और ये मैंने बोंग लिया है एक पूरा पीस, ये तकरीबन आधा किलो है। तो ये मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी। ये एक खाने का चम्मच मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसको मैं 10 मिनट अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी ताकि जितनी भी इसके अंदर गंदगी है और जो स्मेल है वो दूर हो जाए। पानी फिर इसका हम फेंक देंगे। तो इसका ये क्लीनिंग प्रोसीजर है, ये सबसे पहले कर लेंगे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको बॉईल होते हुए, और देखिए आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी इसके ऊपर आ गई है। तो अब मैं इसको फेंक दूँगी, इसको धो लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब इसके अंदर ये मैंने जो धो के रखा था बोंग और पाए ये डाल दिए हैं। मीडियम साइज प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर आधा काट के, 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं चूँकि प्रेशर में बना रही हूँ
इसलिए पानी प्रेशर के हिसाब से डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल देचकी में बनाएं तो उस हिसाब से पानी डालें, क्योंकि इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप देचकी में बना रहे हैं तो। लेकिन प्रेशर में ये है कि ये बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसको बस मैं प्रेशर बंद करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, और पाई भी चेक कर लेते हैं। पाई की बोटी भी गल चुकी है, क्योंकि इसको हमने आधा घंटा और तकरीबन प्याज डालकर इसको हमने कुक करना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है, मैं इसको एक साइड पे कर लेती हूँ और यहाँ पे प्याज फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक कप सरसों का तेल ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जला लूँगी। मीडियम साइज़ की हाफ प्याज ले ली थी मैंने, और इसको मैंने कट कर लिया है, तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो यहाँ पर मैंने एक कप दही फेंट लिया है, और आग हल्की करके मैं इसके अंदर ये दही शामिल कर दूंगी। और ये पाया मसाला है, जो पाया बनाने की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप उसमें देख सकते हैं पाया मसाला बनाने की रेसिपी, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये होममेड मसाला है। तो ये कुछ देर मैं भून लूँगी इन सबको, और इसके बाद इसको पाए में शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है, अब इसको मैं पाए में शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी, जिस हिसाब से आप इसकी यखनी रखना चाहते हैं। और इसको बस हल्की आग पर मैं आधा पौना घंटा कवर करके कुक कर लूँगी। ये देखिए इसको तकरीबन आधा घंटा मैंने हल्की आग पर कुक कर लिया, और बोंग पाए हमारे रेडी हैं, ऑयल भी देखिए अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। अभी बच्चे सो रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा टाइम है, तो सोच रही हूँ कि किचन क्लीनिंग का काम निपटा लूँ जल्दी से। Keeping my kitchen clean and organized is not just about maintaining a tidy space, but also about creating a positive and healthy environment for cooking and enjoying meals. By taking the time to clean and sanitize my kitchen, I'm ensuring that I have a clean canvas to work with, and that my family and I can enjoy a delicious meal in fresh and hygienic setting. By regularly cleaning countertops, wiping down appliances, and tackling those hard to reach corners, we are creating a welcoming environment that inspires creativity and culinary adventures. So let's roll up our sleeves and make this kitchen sparkle. Starting the day with a neatly made bed not only adds a touch of tidiness to my room, but also set a positive tone for the rest of the day. It's a simple act that brings a sense of accomplishment and order to my space. So let's dive in and make our bed together, creating a cozy and inviting atmosphere to start the day off right.
तो अब बच्चा पार्टी उठ गई है तो ब्रेकफास्ट लगा लिया जाए। आज हमने एक वेडिंग सेरेमनी भी अटेंड करनी है जो कि दुबई में है, तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद उसकी तैयारी और फिर निकलेंगे। Hey everyone, I'm super thrilled to share with you the highlights of a beautiful wedding reception I attended. It was an absolute blast, filled with joy, love and amazing celebration. From the stunning venue to the delicious food, every moment was truly unforgettable. Join me as I take you on a virtual journey through this incredible wedding celebration, capturing the essence of the festivities and vibrant spirit of Dubai. Get ready to be wowed! The wedding reception took place at the Sheraton Hotel in Dubai. It's a fantastic venue known for its elegance and impeccable service. The Sheraton Hotel offers a luxurious setting, stunning ballrooms and top-notch amenities, making it the perfect location for a memorable wedding celebration.
एंड दैट्स अ रैप माय फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी थ्रू द यूएई'स वाइब्रेंट कल्चर एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम सेलिब्रेटिंग यूएई फ्लैग डे एंड नेशनल डे टू विजिटिंग माय सिस्टर्स हाउस शोकेसिंग मी वीकडेज मॉर्निंग रूटीन एंजॉयिंग एन कोजी संडे ब्रेकफास्ट एंड एंडिंग विद अ स्पेक्टेकुलर वेडिंग रिसेप्शन. It's been an absolute blast sharing these moments with you. Stay tuned for more adventures and remember to embrace every moment and celebrate the beauty of life. Until next time, take care and keep spreading joys. Allah Hafiz.